ओम शांति। अविनाशी रुद्र बाबा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो बाबा ने कहा इसमें कदम कदम पर तुम श्रीमत पर चलते हो और यज्ञ की प्यार से सेवा करते हो तो मन इच्छित फल मिलता है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अशुद्ध मनोकामनाएं नहीं पर शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया है, ख़त्म होनी है, तो क्यों नहीं विनाश से पहले अपना सब कुछ इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सफल कर दें। तन भी ख़त्म होना है, धन भी ख़त्म होना है, संबंध भी सब कुछ खत्म हो जाना है, तो सब कुछ इस यज्ञ में सफल कर सफलता पाना है। कैसे सफल करना है? बाबा ने कहा सेंटर खोल दो। सेंटर खोलेंगे, अनेक आत्माएं आएंगी, उनको बाबा का परिचय मिलेगा, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करेंगी, तो आपको कितनी दुआएं देंगी। तो दुआएं भी आपको तभी मिलेंगी जब सब कुछ सफल करेंगे। तो सुनते हैं 30/5/2022 के बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूर्ण करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। क्वेश्चन, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? आंसर, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है आदि आदि करके घर चले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो यह मरे, धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते, बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकर्पा करना है। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकर्पा करना है। कर्पा माना करो और पाओ। क्या करो? जो बाबा कहता है वो श्रीमत पर करो और फिर पाओ। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह परलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी भारत में हैं और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं ही पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं, सब एक किस्म के भी नहीं होते। हर एक का पद अपना अपना होता है, हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक ना मिले दूसरे से। बाप बैर समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो, शिव बाबा के लिए कहते हैं ना। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हैं। हेड जो है उन्होंने को तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना, मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिव हम भी कहलाते हैं परंतु हैं पतित। तो बाप समझाते हैं तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती ही नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं। अगर वही भगवान हैं तो क्यों याद करते हैं? भगवान एक हैं, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं,
तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है, ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है, तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश, जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, इसका कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये नॉलेज है। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, नंबर वन मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतनवासी और यह अव्यक्त ब्रह्मा, तो वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ, साकार में प्रवेश करता हूँ, फिर वो पुरुषार्थ कर फरिश्ता अव्यक्त बन जाते हैं। प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए, तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तो ब्राह्मण को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते, ना कान कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्यंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तभी ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास भक्ति की नॉलेज है, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देही सहित देही के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मूच एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत में कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है, बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती है। हद के संन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप कि यह बर्थ प्लेस है भारत, परंतु मनुष्य जानते ही नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक, जानते ही नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं, अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे। तो शिव बाबा के पोतरे ठहरे, यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोतरे पोत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर यह ज्ञान प्रालोप हो जाएगा, ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पार्ट ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट अलग है। महादेवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाली मृत्यु नहीं होती। महादेवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। यह शुद्ध अभिमान हुआ, अपने को शिव हूँ या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं, भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी उज्जड़ चित्र हैं। तुम जिस मनोकामना से पूजा करते हो आदि करते हो, तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है,
बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत और मैं हूँ सुखदाता। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। सुखदाता तो कहलाता हूँ, दुखदाता तो नहीं कहलाता। दुख हरता सुख करता कहलाता हूँ, तो मैं कैसे दुख दे सकता हूँ? अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? अगर मैं दुख दे हूँ तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड दिलाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती हैं। अगर कहीं सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि हो गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे। बाप तो सुखदाता है। बद्दुआ अथवा अकरपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकरपा अपने ऊपर आप ही करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करो, सत्ययुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तब कहा जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियाना। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर शूद्र वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर और कलयुग में। चक्र को फिरना ही है, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रड़ियाँ मारते रहते हैं हे परमात्मा आदि आदि। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। बापों के लिए समझते थे राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते हैं, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ ही नहीं। ये तो शिव बाबा है, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है। इसमें तुम पैसे को सफल करो, ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण का यज्ञ नहीं, सत्युग में यज्ञ होते नहीं, ये ज्ञान यज्ञ हैं, बाकी सब हैं भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चों-चों का मुरब्बा बना देते हैं, उनको यज्ञ ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व की बादशाही, तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्य की तो 84 लाख योनियाँ रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्री मत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे और माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी हैं, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ
जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं होगी, कर ही नहीं सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद ही नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर ना चला तो ये मरा, माया के भूत राम नाम सत्य हैं करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्री कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। सेकंड पॉइंट, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भाव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरे को देते जाओ, देना ही लेना है, वो बढ़ता जाएगा। जैसे बाप मर्सीफुल हैं, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्तियों से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अमृत वेला, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं किसको मिलती हैं, किसको मिलती हैं दुआएं? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करे, जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता हो, कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो, कौन सी? सबको दुआएं दो। दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, एक दिन करो, दूसरे दिन करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो धीरे धीरे कोई भी कार्य एक दिन दो दिन तीसरे दिन कर लेते हैं, संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं एक दिन यह कार्य करके देखो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, फिर रात को चार्ट चेक करो, सोने से पहले अपना चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दुआएं लेने में और देने में सब कुछ आ जाएगा, दिव्य गुण शक्तियाँ आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तब भी दुआएं दे सकते हैं, हाँ बाबा कह रहे कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। बाबा ने कहा ये मुश्किल तो नहीं है ना, कोई दुख भी दे, कुछ भी बोले, क्या भी बोले, लेकिन आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। तो भी बलिहारी उसकी जो मेरी सहन शक्ति बढ़ाई, समाने की शक्ति बढ़ाई। तो कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी मुझे दे, मुझे एक ही कार्य करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। कितना सुंदर बाबा ने कहा, भले
भाषण करना नहीं आता, क्लास कराने नहीं आती, और कुछ भी करना नहीं आता, कोई बात नहीं है, लेकिन दुआएं देनी तो आती हैं। सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। तो बाबा ने कहा सारा दिन एक दिन करके देखो, और फिर रात को अपना चार्ट चेक करो कैसा रहा, मेहनत करनी पड़ी या सहज हुआ, सहज ही होगा। तो ऐसा सरल पुरुषार्थ बाप दादा बच्चों को बताते हैं, कितना सहज पुरुषार्थ बाप दादा बच्चों को बताते हैं। दुआएं सबसे बड़ा खजाना है। आप देखते हैं अचानक कुछ भी होता है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति बच गया, देखने वाले कहते हैं क्या ये बचने वाला नहीं था, लेकिन किसी का लिया दिया सामने आ गया। कैसे लिया दिया सामने आ गया, क्या लिया क्या दिया, जो हमने दुआएं दी थी, दुआएं ली थी, वो दुआओं का खजाना, सबसे बड़ा खजाना वो काम आया, जो मौत के मुंह से भी बच करके हम आ गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई मेहनत ना करो, मैं तुमसे मेहनत नहीं कराता हूँ, सिर्फ सब आत्माओं को दुआएं दो, दुआएं लो। कोई गाली भी दे रहा है तो भी आप अपना व्यवहार चेंज नहीं करो, बोलना नहीं छोड़ो उससे, उसको बददुआई नहीं दो कि देखा इसने मेरे साथ ऐसे किया तो भगवान ने इसको ये फल दिया। भगवान फल नहीं देता है, वो तो जो आत्मा जैसा कर्म करती है वो फल पाती ही पाती है। मैं बोल करके अपना विकर्म क्यों बना लूँ, मैं बोल करके अपना पाप क्यों बना लूँ। तो मुझे सबको, कोई कैसी भी आत्मा हो, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रही है, लेकिन सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। अच्छा, ओम शांति।